शेतकरी कामगार पक्ष द्वारा लाल ब्रिगेड संगठन की तरफ से लाल सलाम चषक 2015 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 3 और 4 जनवरी के दौरान किया गया था। इसमें विभिन्न जगहों से आए हुए क्रिकेट टीमों का समावेश था। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में सहभाग लिया। इस प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 4 जनवरी यानी रविवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर माननीय विवेक पाटिल, पुंडलीक दिगे, अनंता पाटिल, पूर्व सरपंच लक्ष्मण केदारी, संजय केदारी, जगदीश पवार, पूर्व सरपंच रामभाव पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न टीमों ने अपना प्रदर्शन दिखाकर मनोरंजन किया। इस दौरान माननीय विवेक पाटिल का सत्कार किया गया। माननीय विवेक पाटिल के शुभ हाथों बख्शीश वितरण भी किया गया। इस प्रतियोगिता में ठाणे के टीम को प्रथम पारितोषिक मिला तथा दूसरा पारितोषिक मोहपाड़ा की टीम को मिला तथा जामियोली की टीम ने तीसरा पारितोषिक हासिल किया।